नोकिया प्लस पंच होल डिस्प्ले प्लस ट्रिपल रेयर कैमरा, अगर इन तीनों चीजों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? ये बनता है नोकिया X71। जी हाँ, इस फोन को लेकर पिछले काफी लंबे समय से चर्चा हो रही थी और आज फाइनली कंपनी ने इस फोन को अपने टाइवानीज वेबसाइट पर लिस्ट भी कर दिया है। चलिए देखते हैं कि नोकिया के इस नए स्मार्टफोन यानी X71 में क्या है खास। अब सबसे पहले हमेशा ही मैं आपको फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नोकिया X71 के स्टैंड आउट पॉइंट्स के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि नोकिया X71 कंपनी का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ, इस फोन में दिया गया है 6.39 इंच का प्योर व्यू डिस्प्ले जो कि फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। साथ साथ ये कंपनी का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाते हैं। इस फोन में दिया है 48+8+5 मेगापिक्सल के तीन सेंसर, जिसमें से 48 मेगापिक्सल सेंसर जो है वो रेगुलर फोटोज क्लिक करता है और 8 मेगापिक्सल का सेंसर वो वाइड एंगल फोटो क्लिक करने की क्षमता रखता है, जबकि 5 मेगापिक्सल का सेंसर है वो डेप्थ सेंसिंग के काम आता है। इसके साथ साथ इसकी जो तीसरी हाईलाइट है वो है इसका पावर बटन। उस पावर बटन में आपको एक ब्रीदिंग लाइट मिलती है जो कि नोटिफिकेशन के लिए भी काम आ सकती है। इसके साथ साथ इसमें आपको ओजो 360 डिग्री सराउंड साउंड टेक्नोलॉजी भी मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोकिया का ये फ़ोन बहुत ही दमदार फीचर से लैस है, और अगर आप इसके और स्पेसिफिकेशन जानेंगे तो डेफिनेटली कहेंगे कि नोकिया ने इस बार कुछ कमाल किया है। जी हाँ, इस फोन में है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट जिसमें आपको 6GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। साथ साथ इसमें 16MP का फ्रंट शूटर दिया है, 3500mAh की बैटरी है और वो 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। ये फोन एंड्रॉयड पाई पर चलता है और इसमें भी आपको एंड्रॉयड वन की इंटीग्रेशन मिल जाती है। वहीं बात की जाए इस फोन के डिजाइन की तो ये देखने में नोकिया के किसी रेगुलर स्मार्टफोन की तरह ही लगता है। बैक पैनल पर ग्लास दिया है और साइड एजेस आप देख सकते हैं कि राउंड है, जो कि आप नोकिया 6.1 या फिर नोकिया 7.1 में ऑलरेडी देख चुके हैं। अंत में बात आती है कि ये फोन अवेलेबल कब होगा और इसकी प्राइसिंग क्या है। हालांकि इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ताइवान में कंपनी इसे 10 अप्रैल को सेल के लिए उपलब्ध करवाएगी और वहां पर इस फोन की कीमत जो रखी गई है अगर उसे इंडियन रुपीज में ट्रांसलेट करें तो बनते हैं लगभग 26,000 रुपये। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कंपनी इस फोन को लगभग 20,000 रुपये के आसपास इंडिया में भी बहुत जल्द लॉन्च कर सकती है। हालांकि कब लॉन्च होगा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, पर एनीवे कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जो लिख के बताएं, और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड एज यूजुअल हमसे चैट करने के लिए आप इन दी गई आईडी पर जाके जुड़ सकते हैं या फिर मेरी पर्सनल आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।